हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश शर्मा। तो दोस्तों, काफी सारे लोग ब्रेजा को रेंज रोवर से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपका ये कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं। तो दोस्तों, काफी सारे लोग नई वाली ब्रेजा को रेंज रोवर से कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली रेंज रोवर इवोक से। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्राइसिंग को ही कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाए क्या कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो ये फर्स्ट बेवकूफ़ी वाला सवाल था, तो चलिए इस बेवकूफ़ी वाले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ब्रेजा की प्राइसिंग है एक्स शोरूम गुवाहाटी 14 लाख के आसपास का, और इसका ऑन रोड गुवाहाटी जाएगा लमसम 16 लाख के आसपास का। वहीं ईवो की प्राइसिंग की बात करें तो ईवो की प्राइसिंग एक शोरूम गुवाहाटी में है 72 लाख के आसपास का, वहीं ऑन रोड 84 लाख के आसपास का रहेगा। तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 68 लाख का प्राइस डिफरेंस है। तो इतने में तो आप भाई ऑल्टो, वगनार, अर्टिगा, स्विफ्ट, बलेनो, अलेनो, थार, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियाँ ले सकते हो। तो इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर ही किया जाए। तो आपको ईवो के दो वेरियंट्स मिल जाते हैं, एस एंड आर डायनामिक। साथ ही आपको इसमें 3 इंजन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, पेट्रोल डीजल वही दो डीजल इंजन मिल जाते हैं और एक पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। खैर, इंजन ऑप्शंस की बात तो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईवो की डायमेंशंस को देखेंगे, mm में होगी डायमेंशन। तो ईवो की लेंथ है 4371 mm, विड्थ है 2100 mm, हाइट है 1649 mm, व्हील बेस है 2681 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं अगर हम ब्रेजा की डायमेंशंस की बात करें तो ब्रेजा के डायमेंशन है 3995 mm, विड्थ की बात करें तो 1790 mm, हाइट की बात करें तो 1685 mm, व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm, ग्राउंड क्लियरेंस भी 200 mm का है। अब आप देख सकते हैं कि साइज वाइज ब्रेजा ईवोक से कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। ईवोक लेंथ के मामले में ब्रेजा से 376 mm ज़्यादा है, विड्थ के मामले में 310 mm ईवोक ब्रेजा से ज़्यादा है, लेकिन हाइट के मामले में कुछ अलग ही है भाई। इसमें तो ब्रेजा ईवोक से 36 mm ऊंची है, व्हील बेस के मामले में ईवोक ब्रेजा से 181 mm ज़्यादा है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कौन सी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ऑब्वियसली भाई ईवोक। तो हम सेकेंड बेवकूफ़ी वाला बात करते हैं, वो है बूट स्पेस। तो ब्रेजा में आपको बूट स्पेस मिलेगा 328 लीटर्स का, और ईवोक में आपको मिलेगा 472 लीटर्स का, ज़्यादा है ब्रेजा से। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी ईवोक ब्रेजा से 12 mm ज़्यादा है। दोनों आसपास ही उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बेवकूफ़ी वाला सवाल, वो है इंजन कंपैरिजन। तो सॉरी सर, तो ईवोक में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 डीजल एंड 1 पेट्रोल। तो ईवोक में आपको जो पहला इंजन मिलता है वो है 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 246.74 bhp की पावर 5500 rpm पर, और 430 Nm का टॉर्क 1750 टू 2500 rpm पर। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव के साथ। और आप बात कर लेते हैं ईवोक के सेकंड डीजल इंजन के बारे में। ऐसे दोस्तों, ये वही पुराना वाला ही डीजल इंजन है, लेकिन इसमें थोड़े पावर फिगर चेंजेस है। तो इसमें आपको मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 2101.15 bhp की पावर जनरेट करता है 3500 rpm पर, और टॉर्क की बात करें तो 365 Nm का टॉर्क 1300 to 45 rpm पर। और ईवोक में आपको एक पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर 4 वाल्व पेट्रोल इंजन, जो 246.74 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 rpm पर, और टॉर्क 30 Nm का टॉर्क 1750 टू 2500 rpm पर। और अब बात कर लेते हैं तो ब्रेजा में आपको एक ही सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है 1.5 लीटर K15 सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, काफ़ी लंबा नाम है भाई, जिसका पावर 101.65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 rpm पर, और 136.8 Nm का टॉर्क 4400 rpm पर। ट्रांसमिशन मैनुअल के साथ साथ इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। तो चलिए आप कंपेयर कर लेते हैं ब्रेजा के पेट्रोल इंजन से ईवोक के पेट्रोल इंजन को। ऑब्वियसली भाई, डीजल के साथ में कंपैरिजन करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ऑलरेडी हम नॉनसेंस वाला काम तो कर ही रहे हैं। ईवोक का इंजन 500 cc बड़ा है ब्रेजा के इंजन से, जो ईवोक का टॉर्क भी ब्रेजा के कंपैरिजन में 293.29 Nm का टॉर्क ज़्यादा है। इतने में तो भाई एक पावरफुल डीजल गाड़ी बन जाती है, जैसे कि क्रेटा सेल्टॉस। अगर हम पावर की बात करें तो ईवोक ब्रेजा से 145.09 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है। ये तो छोटा मोह बड़ी बात वाली बात हो गई।
आप फ्यूल इकोनॉमी को कंपेयर कर लेते हैं। वैसे तो जो रेंज रोवर चलाते हैं उन्हें फ्यूल इकोनॉमी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम गाड़ी को कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी कंपेयर करना बनता है। तो ईवोक का पेट्रोल इंजन में आपको पेट्रोल का माइलेज मिलेगा लगभग 12-13 के आसपास का, और ब्रेजा में आपको 20 KMPL तक का माइलेज मिल जाएगा क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड है, वो ये थोड़ी बहुत ऑफ ऑन होती है खुद से। तो चलिए अब सेफ्टी फीचर्स के मामले में बात कर लेते हैं। तो पहले दोनों गाड़ियों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों ब्रेजा में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डोर एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर एजार वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट्स में, चाहे आप इसका LXL है, VXL है, ZXL है, TXL है, कोई भी ले आपको मिल जाएगा ये फीचर्स। अब ब्रेजा के टॉप मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें आपको कौन सा फीचर मिल जाता है सेफ्टी के मामले में। तो अभी तक जो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल रहे थे उनके साथ साथ डे नाइट रियर व्यू मिरर, रियर कैमरा, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट अब इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द ईवोक। वैसे ईवोक में स्टैंडर्ड टॉप करके सेफ्टी को डिवाइड नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। तो ईवोक में आपको स्टैंडर्ड कहिए या टॉप कहिए, 8 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, ऑटोमेटिक डे नाइट IRBM, ट्रैक्शनल कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, EBD, ESP, आइसोफिक्स साइड, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जियोफेंस अलर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, और साथ साथ इसमें आपको पार्क असिस्ट भी मिल जाता है। और दोस्तों ऐसे सेफ्टी के मामले में कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं है, ब्रेजा भी अपनी प्राइसिंग में बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेगमेंट से कुछ गाड़ियां हैं जिनसे ब्रेजा की सेफ्टी अच्छी है। वैसे भी ग्लोबल एनकैप ने जब ब्रेजा का टेस्ट किया था तो ब्रेजा ने अच्छा स्कोर गेन किया था, जो कि 4 out of 5 stars का था। और भाई काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो सेफ्टी फीचर्स की बात हो गई तो अब कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेंज रोवर ईवोक। पावर बोट, 2-zone AC, एयर प्योरीफायर, रिमोट बूट ओपनर, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, स्मार्ट डोर लॉक एंड अनलॉक, वॉइस कमांड्स, पैडल शिफ्टर्स, डोर टच स्क्रीन मिल जाती है आपको 10 inches की, एक AC के लिए और दूसरा इंफोटेनमेंट, और फुली डिजिटल MID। ये तो थे इसके मेन मेन फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए। अगर मैं इसका सारा फीचर्स आपको बताने जाऊँ तो एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह। केसरिया तेरा इश्क है पिया। अब ब्रेजा के फीचर्स देख लेते हैं। एडजस्टेबल स्टेयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, 9-inch टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सनरूफ, ग्लोव बॉक्स, वॉइस कंट्रोल, एम्बेड लाइटिंग, ये सब ब्रेजा के मेन मेन फीचर्स थे। और काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि छोटे मोटे एम्बिएंट लाइट्स भी मिल जाते हैं आपको ब्रेजा में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दोनों ही गाड़ियों में प्राइसिंग डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे पता चलता है कि दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर काफ़ी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, अगर किसी को लग्जरी सेगमेंट में एक गाड़ी चाहिए तो वो आंख बंद करके रेंज रोवर ले लेता है, वहीं अगर किसी को नॉर्मल बायर को एक अच्छी सस्ती माइलेज वाली सेफ्टी वाली फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए तो ब्रेजा भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ वैसे अगर इनका प्राइसिंग देखे तो ब्रेजा थोड़ी ओवर प्राइस हो चुकी है, बट वो आपके फुल्ली नीड्स पर एंड वॉन्ट्स पर डिपेंड करती है। अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं LXI तो मेरी नज़रों में वो एक अच्छा ऑप्शन है लेने लायक, बाकी वो आपके ऊपर चॉइस करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी आप लीजिए, आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इतना समझ जाइएगा, इसका कंपैरिजन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैंने सोचा सब लोग इसे कंपेयर कर ही रहे हैं तो मैं भी कंपेयर कर ही देता हूं, तो डोंट टेक इट सीरियसली। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।